हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो रेसिपी है वो बहुत ही इजी है, आप स्नैक्स में खा सकते हो और छोटा छोटा मोटा अगर पार्टी हो फ्रेंड्स के साथ तो आप इसे बनाकर दे सकते हो। ये बहुत इजी है, कम टाइम में बन जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। पहले तो मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा बटर को पिघलने के लिए रख दिया था, और पैन ज्यादा गर्म हो जाएगा तो बटर एकदम जल जाएगा, तो पैन थोड़ा सा गर्म हो तभी बटर दे दीजिए और वो धीरे धीरे पिघल जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अनियन डाला था, अनियन मैंने एकदम थोड़ा सा ही डाला था बस फ्लेवर के लिए। अनियन थोड़ा सा फ्राई हो जाए एकदम एक मिनट या दो मिनट, पूरा एकदम नरम होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला था जो बोनलेस चिकन है, चिकन का पीसेस वो डाला था। कुछ देर फ्राई करने के बाद मैंने स्वाद अनुसार नमक, जिंजर और गार्लिक को मैंने कूट कर डाला था, थोड़ा स्पाइस के लिए चिली पाउडर और एकदम पिंच ऑफ शुगर, शुगर जब बस बैलेंस करने के लिए डाला था और ज्यादा शुगर नहीं डालना होता है। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए आप इसे निकाल कर साइड में रख दीजिए, और पैन धोने का कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसी पैन में हम लोग जो ब्रेड है उसे टोस्ट करेंगे, तो इसमें चिकन का फ्लेवर भी होगा और बटर भी होगा। इसी में हम ब्रेड का एक साइड ही टोस्ट करेंगे, दूसरे साइड हम बाद में टोस्ट करेंगे। एक साइड टोस्ट होने के बाद आप निकाल लीजिए और दोनों साइड अच्छे से एकदम भर भर के बटर लगा दीजिए। देखिए मैंने कैसे लगाया है, आप भी ऐसे ही लगा दीजिए। फिर उसके बाद जो साइड पहले से ही टोस्ट किया हुआ है उस साइड में थोड़ा सा केचप और थोड़ा सा मेयो लगा के इसे अच्छे से मिक्स करके फैला देना होगा। फिर आपको जो भी टॉपिंग्स पसंद आए वो ही टॉपिंग्स दे दीजिए, वो चिकन वाला दीजिए और उसके ऊपर आपको कैप्सिकम, टमाटर, अनियन जो भी आपको पसंद है वो दे दीजिए, और एकदम टॉप पे जो चीज है वो ग्रेट करके अच्छे से भर भर के दे दीजिए। फिर जो जिस साइड में मतलब टोस्ट नहीं हुआ है वो साइड नीचे जाएगा और ये साइड ऊपर जाके आप पैन में भी इसे टोस्ट कर सकते हैं एकदम लो फ्लेम पे ढक के, या फिर आप इसे कोई अगर आपके पास माइक्रोवेव हो या फिर ओटीजी या फिर एयर फ्रायर कुछ भी हो आप उसमें भी 30 सेकंड से एक मिनट तक इसे गर्म कर सकते हैं, तब जब तक कि ये जो चीज है वो मेल्ट ना हो जाए। मेरा जो चीज है वो प्रोसेस्ड चीज है तो टेक्सचर में वो मोजरेला या फिर शेडर चीज के जैसे नहीं होगा। अगर आप वो वाला चीज यूज करोगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा। ये चीज दिखने में ऐसे लग रहा है पर ये पूरा मेल्ट हो चुका था और खाने में बहुत ही टेस्टी बना था और दिखने में भी बहुत ही यम्मी लग रहा था। ये इतना टेस्टी बना था कि आप एक बार में 4 से 5 ऐसे ही खा जाओगे, ये इतना टेस्टी था। और मैं इसे एक बार तोड़ के दिखा रही हूँ, ये ऐसे बना था। अगर आप मोजारेला चीज यूज करोगे या फिर शेडा चीज, इसमें चीज पुल भी होगा और ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। पर ये भी खाने में कम टेस्टी नहीं था, ये बहुत टेस्टी बना था। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अगले वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगी। See you in my next video. Bye-bye.